मधुसूदन गवई। 30 साल से भारतीय विदेश सेवा में मैंने नौकरी करी और उसके बाद जब मैं लंदन में भारतीय उच्चायुक्त में मंत्री के पद पर था तब मैंने अपनी इच्छा से निवृत्ति ली, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, 7.5 साल गवर्नमेंट को वापस करे और यहाँ पर उत्तर नागपुर में मैं समाज सेवा की भावना से समाज सेवा करने के लिए मैं उत्तर नागपुर में आया। 2011 में जब गडकरी साहब राष्ट्र अध्यक्ष थे भाजपा के, उन्होंने मुझे पक्ष में शामिल किया और मुझे यहाँ पर भाजपा की एक दिल्ली में जो भारतीय कामकाज सेल उसको पुनर्जीवित करने की मुझे उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी। मैं उत्तर नागपुर में 2012 में आया और यहाँ पर मैंने समाज कार्य का काम किया। मैंने 2 चलता फिरता दवाखाने चलाए, उत्तम दर्जे की मैंने वहाँ पर ब्रांडेड मेडिसिन्स उपलब्ध करके दी गरीब लोगों को, अच्छा उपचार हुआ उनका और 2 चलता फिरता दवाखाना 32 बस्तियों में चलती थी वहाँ पर और उन्होंने बहुत ही उत्तम उनको ब्रांडेड मेडिसिन्स दी और कम से कम 2 लाख गरजू लोगों का, गरीब लोगों का निःशुल्क उपचार किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर 125 बेड का सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल लाके मैंने यहाँ पर नागपुर, उत्तर नागपुर में खड़ा किया। उसके बाद स्कूल बनाए, उसके बाद महिलाओं को सशक्त किया, रोज़गार उपलब्ध करने के लिए उनको आर्थिक मदद करी, सिलाई मशीनें बांटी, उनके अपने पाँव पर खड़े होने की उनको अवसर दिया, मौका दिया। इसलिए लोग मधुसूदन गवई को जानते हैं, उनको पता है कि अगर मैंने उनको कहा कि मैं उनके लिए मदद करूंगा तो उनको विश्वास है कि मधुसूदन गवई उनकी मदद करेंगे। अच्छा, मैंने दूसरा स्वयं रोजगार के क्षेत्र में लोगों के लिए कूड़ाकार लिया। मैंने यहाँ पर अभी हाल ही में 11 सितंबर को एक स्वयं रोजगार प्रेरणा अभियान का आयोजन किया जो गडकरी साहब की संकल्पना से शुरू हुआ है और पूर्व नागपुर में उसका पहला कार्यक्रम हो चुका है। उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैंने गडकरी साहब को कहा कि इसकी सख्त ज़रूरत उत्तर नागपुर के लोगों को है क्योंकि ये सबसे पिछड़ा भाग है नागपुर का। इसलिए मैंने ये कूड़ाकार लेके यहाँ पर उसका आयोजन किया। बहुत संख्या में लोग वहाँ पर उपस्थित हुए, उन्होंने सरकार की जो उपाय योजना और योजनाएँ हैं स्वयं रोजगार के लिए उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया, उनको उसकी बहुत जानकारी प्राप्त हुई और जो मशीनें स्वयं रोजगार के लिए काम में आती है उसकी प्रदर्शनी हुई, उनको बताया गया किस तरीके से फाइनेंस उपलब्ध हो सकता है, मार्केटिंग उसकी हो सकती है। तो ये मैंने एक उत्तर नागपुर के लोगों के लिए जो बेरोजगार हैं जिनको स्वयं रोजगार की ज़रूरत है उनको एक ये संधि मैंने उपलब्ध करके दी। खुद मैं अपने बलबूते पे वहाँ उनके लिए उत्तर नागपुर में मैंने ये घोषणा करी वो कार्यक्रम में कि मैं उत्तर नागपुर में सबसे पहला स्वयं रोजगार केंद्र जल्दी ही खोलने जाने वाला हूँ। वहाँ पर इंदौरा चौक और कमाल चौक के बीच में जगह है हमारे पास, वहाँ पर उत्तर नागपुर का सबसे पहला स्वयं रोजगार केंद्र खुलेगा जहाँ मैं ही खुद अपने वहाँ पर मशीनें उपलब्ध करा के दूंगा, चाहे वो फूलवाद बनाने की मशीन हो, अगरबत्ती बनाने की मशीन हो, पापड़ बनाने की मशीन हो या फिर कपूर बनाने की मशीन हो, ये मशीनें मैं खुद उपलब्ध करा के दूंगा। और जिन महिलाओं को और जिन युवाओं को स्वयं रोजगार की ज़रूरत है वो वहाँ पर आके काम कर सकते हैं, उनको मजदूरी मिलेगी और ये खासियत ये केंद्र की ये रहेगी कि वो केंद्र ही जो उत्पादन वहाँ पर होगा, जो उत्पन्न होगा वहाँ पर, जो चीज़ें बनाई जाएगी वो केंद्र ही खरीदेगा और केंद्र ही उसकी बिक्री करेगा। वहाँ पर आया हूँ मैं, अपना एक अस्तित्व निर्माण करना चाहता था उत्तर नागपुर में कि मैं एक समाज सेवक हूँ, गरीबों की मदद करने के लिए आया हूँ, ये मेरा उद्देश्य है। राजकारण मेरा उद्देश्य था ही नहीं, बट जब मैंने देखा कि यहाँ पर उत्तर नागपुर को एक दमदार, कामदार, प्रभावी और अभ्यासु नेतृत्व की ज़रूरत है तो मैंने बोला क्यों ना मैं वो नेतृत्व दूँ, क्योंकि मेरे में वो क्षमता है वो नेतृत्व देने की। तो मेरा जो अनुभव है 30 साल का अनुभव, उससे मैं उत्तर नागपुर को एक
प्रभावी, दमदार, तड़ाकेबाज और अभ्यासु नेतृत्व दे सकता हूँ, वो मेरे में क्षमता है। विविध विषय पर, विविध व्यासपीठ पर मैं आपकी समस्याओं को लेके वहाँ पर लड़ सकता हूँ, आपके लिए उपाय ला सकता हूँ, आपके लिए सरकार की योजनाएं, उपाय, योजना मेरे अनुभव के आधार पर ये लाना मेरे लिए बहुत आसान काम है, क्योंकि मैं 30 साल से सरकार का मेरे को अनुभव है। मुझे पता है कि ये सिस्टम किस तरीके से आप गरीबों के हित के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पिछड़े क्षेत्र के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो क्षमता और वो अनुभव मेरे में है। दूसरा, मैंने अपने 30 साल के कारकिर्द में कॉन्टैक्ट्स तो बनाई है, वो लाजिम है कि भाई मैं 30 साल मैंने काम किया है तो 30 साल में मेरे कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। तो वो मेरे कॉन्टैक्ट्स है, बिल गेट्स फाउंडेशन में है, आपके प्रिंस चार्ल्स फाउंडेशन में है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में है, ऐसे और कई फाउंडेशंस हैं जहाँ मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर मुझे यहाँ से संधि मिलती है, मुझे व्यासपीठ अगर यहाँ से मिलता है, तो मैं इन फाउंडेशन से फंडिंग ला सकता हूँ उत्तर नागपुर के विकास के लिए, गरीबों के विकास के लिए, उनके लिए स्वयं रोजगार प्रकल्प यहाँ पर खड़े हो सकते हैं वो फंडिंग से। वो ही नहीं, CSR फंडिंग भी ला सकता हूँ। CSR फंड है, एक गवर्नमेंट का एक धोरण है जिसके अंतर्गत ये अनिवार्य है कि जो कंपनियाँ जिनका उलाढाल 10 करोड़ से ज़्यादा है, जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, उनको 2% वो सोशल वर्क के लिए देना अनिवार्य है। तो ये भी मैं ला सकता हूँ कि ये औद्योगिक जगत में भी मेरे दोस्त लोग हैं, जैसे पूना में है, नासिक में है, मुंबई में है, जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज हैं, तो मैं उनको कह सकता हूँ कि भाई हमारा उत्तर नागपुर में इसकी सख्त ज़रूरत है, यहाँ पर विकास के लिए आपकी फंडिंग काम में आ सकती है, गरीबों की मदद के लिए आपकी फंडिंग काम में आ सकती है, तो मेरे में वो क्षमता है। तो इसीलिए मैं उत्तर नागपुर के लोगों के लिए मेरे में जितनी ताकत है मैं वो लगा के उनका विकास करना ही मेरा उद्देश्य है। सब लीडर्स जो उत्तर नागपुर के हैं सब मुझे जानते हैं, भाजपा के जितने पदाधिकारी हैं सब मेरा नाम जानते हैं, सब मेरा काम जानते हैं, और पक्ष श्रेष्ठी जो हैं, गडकरी साहब, अपने फडणवीस साहब, अपने गिरीश जी व्यास, अपने डॉक्टर कोठेकर साहब, श्रीकांत जी देशपांडे, जितने दिग्गज नेता हैं भाजपा के, वो सब मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये गलत बात है कि मुझे लोग यहाँ के जो पुढ़ारी है वो नहीं जानते, मुझे सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि मेरा काम दिख गया। 5 साल में मैं तो 2012 से यहाँ पर सक्रिय हूँ, 2012 से लेके आज तक मैंने जो काम किया है, न मैं यहाँ का नगर सेवक था, न मैं यहाँ का आमदार था, न मैं यहाँ पर पक्ष का कोई बहुत बड़ा अधिकारी था, न मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम था, वो ना रहते हुए भी मैंने यहाँ पर जो काम किए हैं, हॉस्पिटल मांगा, मैंने स्कूल चलाया, मैंने गरीब महिलाओं को सशक्त किया, मैंने स्वयं रोजगार के लिए प्रयास किया और दिलाया, मशीनें हजारों में मैंने मशीनें यहाँ पर बांटी है, और मैंने यहाँ पर सड़क बनाई, सीमेंट की सड़क बनाई, मैंने यहाँ पर नाले दुरुस्त किए, मैंने यहाँ पर मल्ल प्रवाह के काम किए हैं। ये काम जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने करना चाहिए, NIT ने करना चाहिए, ये मैंने किए हैं। आप श्रीकांत देशपांडे जी से पूछ लीजिए कि ये सही है या गलत, क्योंकि उनके हाथ से ही मैंने इनका ये कामों का उद्घाटन करवाया था। अब मेरी तुलना में आप जो इच्छुक है यहाँ से, उसका लेखा जोखा देखिए। मैं NCHRI, HCG और NCHRI दोनों का जॉइंट वेंचर है। HCG बैंगलोर की कंपनी है और NCHRI मेरे मामा के लड़के की कंपनी है, जिसमें मैं डायरेक्टर था। डायरेक्टर की हैसियत से मैंने ये प्रकल्प उत्तर नागपुर में लाया, क्योंकि उत्तर नागपुर का तभी मैं पालन पोषण कर रहा था और उसका संगोपन कर रहा था, तो मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि यहाँ पर मैं एक बड़ा प्रकल्प खड़ा करूँ और लोगों को बताऊँ कि मेरे में क्या काबिलियत है, मेरे में क्या क्षमता है। तो मैंने अपने मामेरे भाई से बोला, जो इसका चेयरमैन है डॉक्टर अजय मेहता, विश्व विख्यात ऑन्को सर्जन है, मैंने बोला अजय
अगर अपन इस हॉस्पिटल को उत्तर नागपुर में लाते तो मेरे को इससे बहुत फ़ायदा होगा। लोग जानेंगे कि मधुसूदन गवई में क्या काबिलियत है, क्या उनमें सक्षमता है। तो हमने ये हॉस्पिटल यहाँ लाया और इसकी भूमि पूजन हमने अगस्त 2012 में गडकरी साहब जब मंत्री थे उनके हाथ से इसकी भूमि पूजन हुआ। मैंने लोगों को वो निमंत्रण पत्र दिखाया वो भूमि पूजन का। अगर यहाँ के पुढ़ारी अगर वो दावा करते हैं कि वो इस प्रकल्प को यहाँ लाए तो उनका नाम होना चाहिए वो निमंत्रण पत्र पे। अरे भाई आप मंत्री थे तभी, आपका नाम होना चाहिए। आपका तो नाम नहीं है उसमें, मधुसूदन गवई का नाम है। और वो ही नहीं, उसको हमने दो साल में उसको खड़ा किया और जब उसका उद्घाटन हुआ माननीय फडणवीस जी के हाथ से, तभी भी वो नहीं थे। क्यों नहीं थे वो? क्योंकि उनका इसमें कोई भूमिका ही नहीं थी। मेरा मामा का लड़का जब उसको पता है कि मधुसूदन गवई इतना काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उसकी दो चलता फिरता दवाखाना वो चला रहा है, तो क्यों ना हम उसकी मदद करें और यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल की उभारना करें। वो मैं लेके आया हूँ और इसकी आप शहनिशा कर सकते हो, इसकी पड़ताल नहीं कर सकते हो। जो मैंने दावे किए हैं अपने बायोडेटा में, या मैंने कहा है कि मैंने ये किया मैंने वो किया है, वो सब वेरीफाइबल है, सरकार के रिकॉर्ड्स है। मैंने यहाँ पर मैंने नागपुर के लिए भी जो पासपोर्ट ऑफिस लाया वो मैं लाया हूँ, वो भी आप वेरीफाई कर सकते हैं सरकार के रिकॉर्ड से। उसके बाद जब बाबा साहेब अम्बेडकर ये अंतर्राष्ट्रीय विमानतल घोषित किया 2005 में, यहाँ से कोई थेट डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी नागपुर से, मैं लाया कटार एयरवेज की फ्लाइट दोहा और नागपुर की, क्योंकि मैंने बोला ये बाबा साहेब अम्बेडकर की तोहीन हो रही है कि नाम तो आपने उनको उनका दे दिया अंतर्राष्ट्रीय विमानतल का, लेकिन एक भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। तो मैंने वो जिम्मेदारी ली कि मैंने बोला नहीं, मैं ये एक चुनौती और एक चैलेंज लूँगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट मैं शुरू करूंगा। और मैंने वो दोहा और नागपुर की डायरेक्ट फ्लाइट वो मैंने शुरू करी। तो मैंने जितने काम किए वो लोगों को दिखते हैं और लोगों के पास जाता हूं मैं कि भैया आप बताइए। जब मैंने दवाखाने अपने चलते फिरते दवाखाने, तो मैं लोगों के पास गया कि आपको क्या ज़रूरत है मुझे बताइए। ये लोग कह रहे हैं कि हम नागपुर को एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे। नागपुर तभी स्मार्ट बनेगा जब उत्तर नागपुर स्मार्ट बनेगा, नहीं तो ये एक अपन चंद्रमा देखते हैं, फुल मून नाइट को पूरा चंद्रमा देखते हैं, उसमें क्या देखते हैं आप? एक दाग है ना। अगर उत्तर नागपुर का सही विकास नहीं हुआ और उत्तर नागपुर पिछड़ा ही रह गया तो नागपुर स्मार्ट सिटी वो चंद्रमा के जैसा रहेगा, जिसमें उत्तर नागपुर हमेशा एक दाग की तरह दिखते रहेगा। तो मेरे में वो क्षमता है उत्तर नागपुर को स्मार्ट नागपुर के साथ उसका विकास करने का और उत्तर नागपुर को स्मार्ट बनाने का, कि मेरे में क्षमता है।